गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर शांति कुंज हरिद्वार की दिव्य उपस्थिति और संपर्क में इस विश्व स्तरीय और अनोखे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में मैं गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे न्यूजर्सी की ओर से आप सभी परिजनों का हृदय से स्वागत करता हूँ। गायत्री चेतना सेंटर न्यूजर्सी की स्थापना से लेकर आज तक सेंटर ने प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया है। आज विश्व भर में फैले हुए COVID-19 पैंडेमिक के बीच इस स्नेह भरी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इतने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम का आयोजन कर परिजनों तक लाभ पहुंचाना सेंटर के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। इन बदली हुई परिस्थितियों में कार्यक्रम का इतना कुशल आयोजन, इतनी मात्रा में देश विदेश से परिजनों का डिजिटली जुड़ना, परिजनों का यहाँ GCC पर उपस्थित होना और शांति कुंज से श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया की उपस्थिति में लाइव माध्यम से आशीर्वाद मिलना हम सबकी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण है। स्वयं शांति कुंज हरिद्वार से दीप यज्ञ के संचालन का अनुभव न्यूजर्सी सेंटर और ऑनलाइन जुड़े हुए सारे परिजनों को मिलना इस वर्ष के ये कार्यक्रम को अनोखा बनाता है। इसी के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए बिना और समय लिए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और शांति कुंज द्वारा प्रज्ञा गीत से कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध करूंगा। एक तुम्हें आधार सदगुरु, जिस भवन का आधार, जिस भवन की नींव जितनी मजबूत होती है, बिल्डिंग उतना ही टिकाऊ होता है, उतना ही मजबूत होता है। चाहे जितने भूचाल भूकंप आते रहे, लेकिन उस बिल्डिंग का बांका से वाल नहीं होता है, क्योंकि आधार मजबूत है। और आज पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारे आधार वही है। इस समय हमारे न्यूजर्सी पिस्काटवे में गायत्री सेंटर में बैठे हुए सभी परिजनों को हम शांति कुंज हरिद्वार के सारे प्रतिनिधि आपको प्रणाम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी जी का प्यार आशीर्वाद आपके साथ हैं। आइए हम लोग गुरु चरणों में अपनी भाव भरी ये भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। सूरज की किरण निकलते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। इसी तरह से जब हृदय की कोठरी में अगर रही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाए तो सारा अंधकार मिट जाता है। आप सब हमको देख रहे हैं और हम भी आपको देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हमको आपको जोड़ दिया है और हम लोग वैसे भी प्यार से जुड़े हुए हैं। हम गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं और एक ही गुरु का कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आइए उस गुरु का ध्यान करते हैं। कहते हैं, गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद उनके पास। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे सदगुरु जन्म जन्मांतरों के बाद मिलते हैं, जो अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को अपने अंग अवयव कहते हैं। हम उनके अंग अवयव हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आइए उनके चरणों में ये भावभरी प्रार्थना। गुरुवर गुरुता दीजिए, यह पावन सुख धाम जन जन के शुभ कर्म हित कभी न ले विश्राम, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे।
द्वार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, तब तक है दिन मान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं। अगर सहारा मिटे नहीं मन का अंधियारा, गुरु का अगर सहारा मिटे नहीं मन का अंधियारा, लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता पग आगे नहीं दिखलाई पड़ता पग आगे रखते मन डरता, हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई, अभी आन नहीं जब तक रहती गुरु से दूरी, सनी धमगम गम धनी गा सनी धनी सनी धनी धनी धम धनी निधम धम जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी, जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी, गुरु मन की कर देते, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं, नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं गुरु बिन ज्ञान भटकाओं की राहें छोड़े गुरु चरणों से मन को जोड़े, भटकाओं की राहें
छोड़े गुरु चरणों से मन को जोड़े गुरु के निर्देशों को माने इनको सच्ची संपत्ति जाने गुरु के निर्देशों को माने इनको सच्ची संपत्ति जाने मन बल साधन बुद्धि ज्ञान का धन बल साधन बुद्धि ज्ञान का कर अभिमान नहीं नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं से जब अनुदान मिलेंगे अति पावन परिणाम मिलेंगे गुरु से जब अनुदान मिलेंगे अति पावन परिणाम मिलेंगे टूटेंगे भव बंधन सारे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है घड़ी घड़ी मारे चोट अंदर हाथ सहाय के काढ़ निकाले ओट गुरु से जब अनुदान लेंगे अति पावन परिणाम जब अनुदान मिलेंगे गुरु से जब अनुदान मिलेंगे गुरु से जब अनुदान मिलेंगे गुरु से जब अनुदान मिलेंगे अति पावन परिणाम मिलेंगे गुरु से जब अनुदान मिलेंगे अति पावन परिणाम मिलेंगे टूटेंगे भव बंधन सारे टूटेंगे भव बंधन सारे खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे टूटेंगे भव बंधन सारे खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे क्या से क्या तुम बन जाओगे क्या से क्या तुम बन जाओगे तुमको ध्यान नहीं नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे अंधकार बस सब तक ही है अंधकार बस सब तक ही है जब तक है दिन मान नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। हम सभी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर
जब गुरु सत्ता का स्मरण करते हैं तो ये बात और दृढ़ हो जाती है कि गुरु के बिना तो ये क्रम संभव ही नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं आज ही के दिन भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ, और लिपि में यदि ज्ञान हमारे वेदों में दिखाई देता है, शास्त्रों में दिखाई देता है, तो उनकी लेखनी ये ज्ञान गुरु के रूप में हम सबके जीवन में आता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान जब सृष्टि को बनाते हैं तो साथ में उन्हीं की चेतना गुरु के रूप में आती है, और वो हम सबको इस समाज में, इस सृष्टि में, इस धरती पर कैसे रहना है इसका मार्गदर्शन करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि परमात्मा की वो चेतना हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के रूप में है, और उन्हीं के सानिध्य में ये पावन गुरु पर्व, जहां हम दो विशेष क्षेत्र में ये पर्व को मनाने जा रहे हैं, एक गायत्री चेतना केंद्र पिस्काटवे न्यूजर्सी और शांति कुंज हरिद्वार, आज ये एक धारा से विज्ञान के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और शांति कुंज और न्यूजर्सी में माँ गायत्री के सामने, परम पूज्य गुरुदेव के प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के विग्रह के सामने, प्रज्ञेश्वर महादेव के सामने, और भगवान जो सेवा के प्रतीक हैं भगवान हनुमान के सामने, विवेक के देवता भगवान गणेश के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं और इस गुरु पर्व को संपन्न करने के लिए, गुरु पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सभी हमारे भाई बहनों से प्रार्थना करूँगा कि आज का दिन हम सब के लिए श्रद्धा और समर्पण का है। हम सभी आज इस समीक्षा के लिए बैठे हैं, अभी आने वाले समय में हमें आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का मार्गदर्शन मिलेगा पर्व संदेश के रूप में, और साथ में पर्व पूजन और दीप यज्ञ का क्रम संपन्न होगा। कुछ ही क्षणों में हमें ये क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पहले ये निवेदन करें, कि आज के दिन यदि हम यहाँ बैठे हैं तो हम अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को, अपनी भावनाओं को किस स्तर तक और आगे बढ़ाएं। जहाँ हैं वहाँ से अब हमें और आगे बढ़ना है। किन बातों को आज हम अपने जीवन में धारण करेंगे जिससे कि हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, परम पूज्य गुरुदेव के लिए हमारा समर्पण बढ़ता चले, ये शायद उसकी कक्षा मान करके हम बैठे हैं। आइए हम सभी उसी भावों को और आगे बढ़ाएं। हम अपने उद्गाता बंधुओं से प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे संदेश के क्रम को हम आगे बढ़ाएं, कुछ संगीत की लहरियां, कुछ विशेष संगीत के बोल हमारे बीच में प्रस्तुत करें हमारे उद्गाता बंधु। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी की छत्र छाया में है, सब मंगल ही मंगल होना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, सारे अमंगल दूर होंगे। अब चिंता किस बात की है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब कुछ गुरुदेव आपके हाथों में। अब आप जहां ले जाएं, हम कुछ पुतली की तरह है, बांसुरी की तरह है, आप जैसा बजाना चाहे, जैसा नचाना चाहे, बस हम आपके साथ हैं। आप जो चाहें हमें चिंता नहीं है, यही भाव इस प्रार्थना गीत में। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में, शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, ओ, गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया।
गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल हार तो मेरा पार है। गुरु है केवल हार तो मेरा पार है। गुरु है केवल मेरा पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी ओ, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। नहीं है व्यक्ति तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। माने यदि अज्ञा तो सच्ची भक्ति है। माने यदि अज्ञा तो सच्ची भक्ति है। माने यदि अज्ञा तो सच्ची भक्ति है। किया समर्पण तो किया समर्पण तो शिष्य सब आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। 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 गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और इस बात की गवाही हम सभी परिजन जो यहाँ पर, और यहाँ मेरे कहने का शब्द शांति कुंज नहीं बल्कि पिस्काटवे न्यूजर्सी के चेतना केंद्र में जितने परिजन बैठे हैं वो भी, और शांति कुंज भी, और पूरे विश्व में जितने भी गायत्री परिजन हैं, उनसे यदि इस बात की गवाही ली जाए तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो जब से परम पूज्य गुरुदेव के चरण में आए हैं, उनकी शरण में आए, उनके आश्रय में आए हैं, उनके जीवन में सुमंगल ही सुमंगल है। परम पूज्य गुरुदेव ने ना जाने उनके कितने जन्म जन्मांतरों के उन प्रारब्धों को ख़त्म करके और जीवन में बहुत सारे सुख और सौभाग्य को प्रदान किया है, मगर शर्त केवल एक थी, वो थी श्रद्धा और समर्पण, जो उन्होंने लिया है। शिष्य ने जितना समर्पण और श्रद्धा अपनी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित की है, उतना उनके जीवन में मंगल आया है। और ये समर्पण का ही पर्व है गुरु पूर्णिमा, और आज के इस पर्व का संदेश हमारे बीच में सुनाने के लिए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और पर्व के संदेश की ओर चलेंगे। उससे पहले मैं आदरणीय भाई साहब का एक संक्षिप्त परिचय, वैसे तो आदरणीय भाई साहब का परिचय कराना
सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपका जीवन अपने आप में आदर्श है। जब आपके वाणी से कुछ शब्द निकलते हैं तो वो किसी के कानों को नहीं छूते बल्कि हृदय को छूते हैं। देश भर के, केवल इस देश की नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी देश में जब वो जाते हैं और वहाँ के युवाओं को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को जब युग निर्माण का संदेश सुनाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनाते हैं, तो वो उनके हृदय में उतरती है और हर व्यक्ति को बदलने के लिए प्रेरित करती है। परम पूज्य गुरुदेव की गोद में खेले, वंदनीय माता जी का प्यार पाए और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की अपेक्षा से अपने व्यक्तित्व का परिष्कार किया, MBBS की पढ़ाई की, फिर UK में MRCP की अपनी सदस्यता प्राप्त की और उसके साथ साथ ब्रिटेन जैसे शहर में एक प्रतिष्ठित चिकित्सक की नौकरी को उसी श्रद्धा और समर्पण के बल पर छोड़ करके शांतिकुंज आ गए। शांतिकुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के पद को सुशोभित किया और प्रतिकुलपति का पद एक बड़े भाई के रूप में, विश्वविद्यालय एक परिवार और उस परिवार के एक बड़े भाई के रूप में, आज सभी विद्यार्थी उनको भैया ही कहते हैं, आदरणीय भैया के रूप में, किसी सर के रूप में नहीं, भैया के रूप में बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को गढ़ते हैं। कह सकते हैं कि जैसे मनु की नाव में मनुष्यता के बीज बचाए जा रहे हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मनुष्यता के बीजों को गढ़ने का, उनको बचाने का कार्य आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। देश विदेश की बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थाओं में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। RCCR जो भारतीय संस्कृति के प्रसार में लगी हुई है, उसके सदस्य के रूप में आप कार्य करते हैं। इसके अलावा उसकी गवर्निंग काउंसिल में हैं आप। देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाले इंटरनेशनल जर्नल, जिसमें कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन होता है, उसके संपादक भी हैं। गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है, स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के, और इसके अलावा आयुष मंत्रालय और भी विभिन्न ऐसे बहुत सारे शासकीय और गैर शासकीय संस्थान हैं जिसमें कि आदरणीय भाई साहब अपनी सेवाएं उनको देते हैं, अपना परामर्श भी देते हैं, उसके अलग अलग बॉडी के सदस्य हैं। टेम्पलन अवार्ड के ज्यूरी मेंबर के प्रथम भारतीय हैं जो उसके सदस्य हैं। इसके साथ में WHO ने योगा एक्सपर्ट की पैनल में भी आपको आमंत्रित किया है। कॉमनवेल्थ से भारत के संबंध के को सुदृढ़ करने के लिए आदरणीय भाई साहब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हम सभी चूंकि अभी US के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो US में भी लगभग 6 विश्वविद्यालयों से कोलेब्रेशन करके भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करेंगे उनके विषय के लिए, गुरु पर्व के संदेश के लिए। उससे पहले उसी भावों को जोड़ता हुआ कि शिष्य कैसे अपने आप को समर्पित कर दे, जैसे एक साधक सूर्य को समर्पित करता है, एक साधक जैसे सविता को समर्पित कर दे, वैसा ही शिष्य अपने गुरु को समर्पित कर दे, ऐसा ही भाव हमारे उद्गाता बंधु प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस गीत के बाद हम आदरणीय भाई साहब को उनके उद्बोधन के लिए, इस पर्व के संदेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मैं उद्गाता बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि भाव भरी वंदना साधक का सविता को अर्पण प्रस्तुत करें। सविता मैं गुरुदेव हमारे, सूरज उनका रूप है, अंधकार अज्ञान मिटाते, सद्गुरु ज्योति स्वरूप है, सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक का ज्योति को चातक का चंगा को, दीपक का ज्योति को चातक का चंगा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक को सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण,
साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सब उनका ही कर्तव्य दिखाएं, भौरों का सरसिज को संविधा कग्नि को, भौरों का सरसिज को संविधा कग्नि को, बूंदों का बादल को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। शिष्यों का गुरु को समर्पण, और वो समर्पण कैसे हो, ये बात तो पक्की है कि हम सब गुरुदेव को अर्पित होने के लिए ही हैं। हमारा जीवन का एक एक क्षण, हमारा प्रत्येक पुरुषार्थ परम पूज गुरुदेव के लिए है। मगर इसमें और धार कैसे आए, कैसे इस गुरु पूर्णिमा पर हम किन बातों को और अच्छे से अपने जीवन में उतार लें कि हम गुरुदेव के आदर्श शिष्य बन जाएं। खग जाने खग की भाषा, एक ऐसे ही साधक को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके जीवन में परम पूज्य गुरुदेव के वो चारों आयाम, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा परिलक्षित होता है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पधारें और हम सबको परम पूज्य गुरुदेव के
उन बातों को, उनकी श्रद्धा बढ़ाने वाली बातों को हम सबके बीच में रखें। आदरणीय भाई साहब, धन्यवाद आशीष। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। ये जो गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, वो हर साधक की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास को जगाने का अवसर है। और जो माँ गायत्री का मंत्र है, वो भी इसी उद्देश्य और आशय के साथ है कि जो हमारे अंतर्मन में बहती हुई श्रद्धा है, वो उस शिखर तक पहुँचे, उस तत्व, उस शक्ति और उस चेतना को छू करके आए, जिसको छू लेने के बाद मनुष्य के जीवन में अनगिन इस तरह के पुरुषार्थ और इस तरह के भाव जन्म लेते हैं, जिनके आधार पे मनुष्य के जीवन का कायाकल्प हो जाता है। जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, उस साधक की श्रद्धा और उसकी श्रद्धा के क्षेत्र में दक्षता को प्रदर्शित करने का अवसर है। एक संसार के अंदर दो ही तरह की शक्तियाँ हैं, लौकिक है या अलौकिक। वो भौतिक उपलब्धियाँ हैं जिनको कि हम लोग देख सकते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, दिखाई पड़ते हैं। पर जो अलौकिक क्षेत्र है, परोक्ष क्षेत्र है, अदृश्य जगत है, सूक्ष्म का जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उस क्षेत्र में जिस आधार पर सारी शक्तियाँ व्यक्ति को हस्तगत होती हैं, मिलती हैं, उनका आधार एक ही है और उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति के पास यदि श्रद्धा हो, व्यक्ति के पास यदि समर्पण हो, विश्वास हो, तो उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, जिसको कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र का, आध्यात्मिक जगत का अंतिम अध्याय मानते हैं। पतंजलि ने जब योग सूत्र को लिखा है, तो साधना और साधन के बाद विभूतियों को लिखा है, और विभूतियों का जो मूल आधार कहा है, वो एक ही कहा है कि व्यक्ति को जो भी मिस्टिकल पावर्स हैं, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, वो एक ही आधार पर मिलती हैं, और उनका नाम है श्रद्धा। आज का जो ये अवसर है, आज का जो ये दिन है, आज का जो ये संकल्प है, वो एक ही आधार पर तय होता है, और उसका नाम है श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। वो हमारे जीवन में जन्म ले तो फिर आदमी का जीवन अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। लोग मंत्र तो एक ही जैसा पढ़ते हैं, वही गायत्री का मंत्र है, हर जगह पर एक ही जैसा रहता है, चाहे मंत्र कोई सा भी हो, पूजा पाठ के तरीके कोई भी हो, कर्मकांड का माध्यम कुछ भी हो, शास्त्र आपने कोई से भी पढ़े हो, पर उन सब में परिणाम भिन्न आ जाते हैं। एक ही गुरु से अनेकों शिष्य जो हैं सीखते हैं, पर हर एक को वो परिणाम नहीं मिल पाता जो एक को मिल पाता है। वही भगवान बुद्ध के पास शिक्षा लेने वाले आनंद को कुछ और मिलता है, मक्खली गोशाल को कुछ और मिल जाता है। वही द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने वाले दुर्योधन को कुछ और मिलता है, अर्जुन और एकलव्य को कुछ और मिल जाता है। इसके पीछे जो अंतर है, वो निर्धारित इस बात पर होता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। श्रद्धा का अर्थ है अंतर मन की पुकार, अंदर से अभीप्सा क्या थी, चाहत क्या थी, और वो निर्धारित करती है, वो तय करती है कि हम अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आज का जब ये अति पावन अवसर है, जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत में बैठकर एक बड़ी ही सशक्त टीम के माध्यम से अपने यूएस और यूएस के अतिरिक्त यूके के सभी परिजनों के साथ इस कार्यक्रम के भागीदार बन रहे हैं, तो इस अवसर पर वही श्रद्धा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक प्यारी सी कथा मुझको स्मरण आती है, वो कथा इसी आशय की है जिस विषय पर मैं अभी बात कर रहा था, कि एक संत के पास उनके शिष्य गए, प्रश्न पूछा उनसे कि एक बात बताइए कि मंत्र तो सभी लोग बोलते हैं, मंत्र भी एक ही जैसा होता है, पर क्या कारण है कि मिलने वाले परिणामों में भिन्नता आ जाती है। जो एक व्यक्ति को मिलता है, वो दूसरे को नहीं मिल पाता। एक व्यक्ति जिस सफलता को प्राप्त कर पाता है, उसको दूसरा नहीं कर पाता। ये अलग अलग परिणामों की जो भिन्नता है, इसके पीछे का आधार क्या है। संत ने कहा, उत्तर बड़ा सरल सा है, पर उत्तर मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगा। लेकर के गए उनको बाजार में घुमाने के लिए। मंदिर बन रहा था और वहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो थे, वो ईंटों को उठा उठा करके ले जा रहे थे। संत ने एक व्यक्ति को रोका और रोक करके उससे कहा कि क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो उस आदमी ने कहा कि दिख नहीं रहा है साहब, मैं बोझा उठा करके ले जा रहा हूँ, इतना मेरे कंधे पर वजन रखा हुआ है, कांट यू सी, बर्डन है मेरे कंधे के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक। थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने एक और व्यक्ति को रोका, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो। बोले साहब कमाई कर रहा हूँ, रोजगारी का जरिया है, किसी न किसी तरीके से आदमी को कमाई करनी पड़ती है, वी हैव टू अर्न बाई सम मीन्स। तो उन्होंने कहा कमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। संत बोले ठीक है बेटा, आगे गए।
एक और व्यक्ति को रोका और उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। जैसे ही उससे पूछा, उस व्यक्ति के हाथ जो थे श्रद्धा में जुड़ गए और जोड़ करके वो बोला कि साहब, भगवान का मंदिर बनाने का अवसर मिला है, वो कर रहा हूँ। संत बोले, आपको समझ में आया? एक ही काम तीनों कर रहे हैं, भाव बदल जाते हैं। एक बोझे की तरह से उठा रहा है, एक रोजगारी की तरह से उठा रहा है, और एक भक्त की तरह से उठा रहा है। मंत्र एक होता है, कोई बर्डन की तरह से करता है, कोई ड्यूटी की तरह से करता है, और कोई श्रद्धा की दृष्टि से करता है। जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो एकलव्य बन जाता है, जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो ध्रुव बन जाता है, जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो मीरा बन जाती है, और जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो एकलव्य बन जाता है। शब्द वही है, अर्थ भी वही है। जब से सृष्टि बनी है तब से यही गायत्री का मंत्र इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुंजायमान हो रहा है। पर हर व्यक्ति विश्वामित्र और हर व्यक्ति गुरुदेव नहीं बनता। अंतर जिस आधार पर तय होता है उसका नाम है श्रद्धा। आज के इस पवित्र अवसर पर वो मंत्र जब हमारे मुंह से निकले तो अंतर मन की श्रद्धा को आंदोलित करता हुआ निकले। दिल की गहराइयों से कोई शब्द निकलता है तो उसका परिणाम आकाश की ऊंचाइयों तक जाता है। मन को शांत करते हुए एक बार अपने शरीर, मन, आत्मा को, चित्त को बिल्कुल स्थिर करते हुए एक बार उसी शक्ति को हम लोग आमंत्रित करें। वो माँ गायत्री जो इस शांति कुंज के पवित्र परिसर में कण कण में विद्यमान है, वो परम पूज्य गुरुदेव, वो परम वंदनीय माता जी, जिनकी चेतना इस दिव्य गायत्री तीर्थ के अंदर, युग तीर्थ के अंदर, हर इंच के अंदर महसूस करी जा सकती है, उन्हीं को आमंत्रित करते हुए माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ सारे वो लोग जो इस ई माध्यम से अन्य सभी देशों में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, सभी से एक विनम्र अनुरोध कि स्थिर होते हुए, हो सकता है कि आवाज़ आपको एको की तरह से सुनाई पड़े, पर मन को शांत करते हुए एक बार गायत्री का महामंत्र हम लोग साथ साथ बोले। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस पवित्र अवसर पर गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन पर्व है, जिसमें यूएस में बैठे हुए सभी परिजन और यूके में बैठे हुए सभी परिजन इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, इस शुभ अवसर पर यहाँ हम लोगों के साथ शांति कुंज में उपस्थित आदरणीय श्री ओमकार भाई साहब, आदरणीय श्री शिवनारायण जी भाई साहब, आप लोगों की संगीत की टोली, आदरणीय ओमकार भाई साहब का आज 63वां जन्मदिन भी है, तो पूरे शांति कुंज की ओर से और यूएस के सभी गायत्री परिजनों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अजय त्रिपाठी मामा जी, आदरणीय उदय भाई साहब, आदरणीय दिव्येश भैया और उनकी EMD के टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, आशीष भाई साहब, राजकुमार भाई साहब जिनका लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, और संगीत की टोली के श्री रविकांत जी और अन्य सभी यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है और गुरु पूर्णिमा का जो अवसर आता है वो आत्मावलोकन के लिए आता है। साधना के पथ पर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इस आशय और इस भाव के साथ बढ़ता है कि हम लोग अपने जीवन में उस पूर्णता को, उस पवित्रता को, उस श्रेष्ठता को, उस उच्चता को, उस उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकें जिसको कि मानवीय जीवन का आधार कहा गया है। एक अंदर से गहरी अभीप्सा को लेकर, भाव को लेकर, पुकार को लेकर, चिंतन को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर व्यक्ति इस पथ पर आगे बढ़ता है। अंधकार का पथ है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन में कल कौन सा कर्म उदय होने वाला है, हमें ये भी नहीं पता कि कल कौन सी विडंबना, कल कौन सी समस्या, कल कौन सा आशंका का घेरा हमारे जीवन को लेने वाला है। उन सारे अंधकार के क्षणों में से, उन सारी समस्याओं की डगर पर से
एक सदगुरु अकेले होते हैं जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन की नाव को, हमारे जीवन की डगर को उस ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं जहां पहुंचने के बाद आदमी का जीवन अपने जीवन को सार्थकता की दृष्टि से देख पाता है, सकारात्मकता का, सार्थकता का, एक मूल्य का और महत्व का उदय मनुष्य के जीवन में हो पाता है। और उस पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, साधना का जो पथ है, जो कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग इस दृष्टि से उसको देख पाते हैं कि जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पर हमारे जीवन में सार्थकता आ पा रही है कि नहीं, हमारा समर्पण हमारे गुरु के प्रति, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रति गहरा है कि नहीं, अटूट है कि नहीं, विश्वास अगाध है कि नहीं। तो जब हम उस दृष्टि से आज के इस पर्व पर अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का, अपने चिंतन दृष्टिकोण भावनाओं का मूल्यांकन करते हैं, तो जो प्रश्न सबसे पहले निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि इस मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन कर लेना जरूरी है। ये जो मनुष्य का जीवन है, हम लोग धर्म कोई सा भी लें, गुरु कोई सा भी हो, कोई सा भी महान व्यक्तित्व हो, कोई सी भी दिव्य चेतना हो, जो लोग भी इस धरती पर आए और जिनके आने के बाद वो ऐसी कुछ लेगेसी, ऐसी कोई विरासत, ऐसा कोई चिंतन छोड़ करके गए कि जिसके ऊपर सारे विश्व को नाज होता है, जब हम ऐसे महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, तो जो एक बात स्पष्टता के साथ निकल करके आती है वो यही निकल करके आती है कि हर व्यक्ति मनुष्य के जीवन को परमात्मा के खजाने की सबसे महत्वपूर्ण कृति बताता है। एवरीवन सेज दैट द बेस्ट गिफ्ट एनी सोल कैन हैव इज द ह्यूमन लाइफ। आप चाहे कहीं चले जाइए, यदि हम अपने शास्त्रों को पढ़ें तो अपने शास्त्रों में रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़ी किस्मत से मनुष्य का जीवन मिला है, न जाने कहाँ कहाँ भटका है इंसान। कभी कुत्ता बना होगा, बिल्ली बना होगा, घोड़ा गधा बना होगा। आप जाकर के भूत प्रेत पिशाचों से पूछें, दो दो हजार साल, चार चार हजार साल, छः छः हजार साल की उनको कष्ट की यात्रा से गुजरना पड़ता है। इच्छाएं वही रहती हैं, डिजायर वही होती हैं, मनुष्य का शरीर नहीं मिला होता। आदमी तड़पता रहता है, सो भी नहीं पाता। जब पहली बार माँ का गर्भ मिलता है तब जाकर के कहीं पर नींद नसीब हो पाती है। उनसे पूछ करके देखिए कि जो मनुष्य के जीवन के मिलने का उपहार है वो कितना कीमती है। आदमी न जाने कहाँ कहाँ भटका है, कौन कौन सी योनियों से इन यात्रा को करके आया है। मनुष्य का जीवन कष्ट कठिनाइयों की यात्रा के बाद मिल पाता है। आचार्य शंकर को पढ़ें तो वो भी यही कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव एते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय। तीन चीज़ें दुर्लभ हैं। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि तीन चीज़ें दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, मनुष्य का जीवन है, मोक्ष की इच्छा है, महापुरुषों का साथ है। आज तीनों ही हमको नसीब है। साधना के पथ पर हम लोग बढ़ रहे हैं, यदि वो इच्छा ना होती, गुरुदेव का साथ ना होता, तो आज बैठ करके इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये चिंतन क्यों कर रहे होते। कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। आप शास्त्र को पढ़ें, और चाहे हिंदू ही धर्म के क्यों, आप किसी भी धर्म के पढ़ें तो ये बात स्पष्टता के साथ निकल करके आती है। क्रिश्चियनिटी में भी जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कहा गया है जेनेसिस के अंदर, वो यही कहा गया है कि मैन इज द मिरर ऑफ गॉड, इंसान जो है वो परमात्मा की प्रतिकृति है। उसमें भी इसी बात को कहा, विवेकानंद ने भी इसी बात को कहा जब चेन्नई में आकर के उनका जहाज लगा और पहला लेक्चर दिया, तो इसी बात को बोले कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर आत्मा के अंदर भगवान होने की संभावना है। वही बात महर्षि अरविंद ने कही कि अति मानस का अवतरण हो सकता है, वही बात गुरुदेव ने कही कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। हर व्यक्ति के अंदर वही देवत्व, हर व्यक्ति के अंदर वही भगवत्ता, हर व्यक्ति के अंदर वही महानता, हर व्यक्ति के अंदर वही दिव्यता विद्यमान है, और इसी क्षण अभी यहीं पर उपस्थित। भूल जाते हैं हम लोग अपने कारण और किसी के कारण नहीं। जिस बात को देख करके दुख होता है और पीड़ा होती है और आश्चर्य होता है और ये अचरज भी होता है कि मनुष्य जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए इतना प्रयत्न करता है, इतना भटकता है, कई कई बार व्यक्ति हजारों हजार साल के लिए प्रार्थना करता है, परिश्रम करता है कि एक बार फिर से मनुष्य का जीवन नसीब हो जाए, और जब मिल जाता है तो जिस बिना किसी योजना के, बिना किसी भाव के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी सोच के हम इस मनुष्य के जीवन को गंवाते नजर आते हैं, उसको देख करके लगता है कि यदि गंवाना ही था तो इतनी प्रतीक्षा क्यों करी थी, इतना तड़पे क्यों थे, इसके लिए इतनी ज्यादा चाहत मन में क्यों थी। हीरे के रूप में मनुष्य का जीवन मिलता है और व्यक्ति उसे कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। वो कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी कई बार, गुरुदेव ने उसको प्रज्ञा पुराण में लिखा है कि एक व्यक्ति ने पढ़ा
कि वो पारस का पत्थर उसके गांव की नदी के किनारे जो करोड़ों पत्थर हैं उनमें से एक है, मिले कैसे, ढूंढे कैसे। पारस के पत्थर को ढूंढने के लिए निकला, बाएं हाथ में लोहे का बुरादा ले लिया, नियम बना लिया, पत्थर उठाना है, छुलाना है, पानी में फेंकना है। क्यों? क्योंकि वही पत्थर ना दोबारा उठाना पड़े। अब करते करते आदत पड़ गई, जैसे जीवन की आदत पड़ जाती है, रोज सुबह उठना है, वही रूटीन है, आदमी काम पे जा रहा है, उन्हीं लोगों से मिलना है, वही बातें करनी, और करते करते व्यक्ति भूल जाता है कि जीवन के पीछे का उद्देश्य क्या है। जीवन एक आदत में बदल जाता है, इससे पहले कि हमें होश आए चलने का वक्त हो जाता है। ऐसे ही उसके साथ घटा, 20 वर्ष जब गुजरे, आदत तो आदत, वही आदत पड़ गई थी कि उठाना है पत्थर, छुलाना है, क्यों उठा रहे हैं, क्यों छुला रहे हैं, भूल गए। पत्थर उठाया, छुलाया और पानी में फेंका, थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि बुरादा सोने में बदल गया पर पत्थर चला गया। वो वैसे ही मनुष्य के जीवन के साथ होता है। यही मनुष्य का जीवन अमृत भी था, पारस भी था, कल्प वृक्ष भी था। गुरुदेव ने तीनों ही बातें कही। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर पारस की संभावना है कि जहाँ छूले वहाँ व्यक्ति को सोने में बदल सकता है, इसी के अंदर अमृत होने की संभावना है, इसी के अंदर कल्प वृक्ष होने की संभावना है, और हमने बदला किस में, कंकड़ में बदल दिया, पत्थर में बदल दिया, कूड़े में बदल दिया। मनुष्य के जीवन का अपना कोई मूल्य नहीं है, वो तो आग की तरह से है। आग के अंदर आप हवन सामग्री डालेंगे तो खुशबू आती है, उसके अंदर कूड़ा डालेंगे तो बदबू आती है। हम मनुष्य के जीवन का वो अर्थ निकालते हैं जो हम निकालना चाहते हैं। वी मेक द मीनिंग वॉट एवर वी वॉन्ट टू मेक। जिस तरह की हमारी सोच है उस तरह का हम मनुष्य के जीवन के अंदर से निकाल लेते हैं। वो तो पहाड़ पे खड़ा हुआ इंसान है, जो वो बोल रहा है वो प्रतिध्वनित होकर के लौट रहा है। हमारी जो भावनाएं हैं वो मनुष्य के जीवन का अर्थ दे देती हैं। प्रश्न उठता है कि जो मनुष्य का जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती है कि उसको पाने के लिए देवता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सुर दुर्लभ उसे कहा जाता है। वो मनुष्य का जीवन जो इतनी कष्ट कठिनाइयों तकलीफ़ों के बाद परेशानियों के बाद मिलता है, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि इतनी तकलीफ़ें करते हैं और उसके गुणगान करते हुए अघाते नहीं हैं, यदि उस मनुष्य के जीवन का इतना ही मूल्य है कि उसको आदमी एक आपाधापी में और भागदौड़ में ख़त्म कर दे, तो इसका मूल उद्देश्य क्या रह जाता है। हम लोग उस हीरे को कंकड़ में बदल देते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे के मूल्य को भुला बैठते हैं। वो जो मनुष्य का जीवन अपने आप को जानने की यात्रा बनना चाहिए था, आत्म साक्षात्कार की, आत्मज्ञान की, और अपने जीवन की मूल जो आइडेंटिटी है, मूल स्वरूप है, उसको जानने की यात्रा होना चाहिए था, उसकी जगह पर वो मनुष्य का जीवन एक संपत्ति और संपदा को पाने की दौड़ बन जाता है। भगा चला जा रहा है आदमी, उसको होश भी नहीं है कि हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। आप लोगों से पूछ करके देखिए कि प्रगति का मूल्यांकन किस आधार पर हो रहा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एक्चुअली मेकिंग ए डिसीजन अबाउट समबडीज इवैल्यूएशन ऑफ द लाइफ। हम किस आधार पर इवैल्यूएट कर रहे हैं? इवैल्यूएट इस आधार पर कर रहे हैं कि व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से कितना आगे बढ़ रहा है, उसके पास पैसा कितना आ गया, पद कितना आ गया, प्रतिष्ठा कितनी आ गई, घर कितना बड़ा है, कितने बेडरूम का है, कौन से इलाके में, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के जूते पहनता है, कहाँ की बेल्ट है, कहाँ के उसके पास घड़ी है, कौन से क्लास में वो सफ़र करता है। अनलेस कि कोरोना आया होता और कोरोना के कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हुआ करती थी। जिंदगी हमारी चाहत के बगैर एक दौड़ में बदल जाती है। और छोटे से बच्चे को भी हम ये सिखाते हैं, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता कि लोग उसे बताने लग जाते हैं कि तुझे अमेरिका जाना है, गोल्ड मेडल लाना है, बिजनेस करना है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि अभी अगली क्लास में कैसे आना है, पर हमारी जो सिफारिशें हैं और हमारी जो चाहते हैं वो हम छोटे से बच्चे के ऊपर लादना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने जीवन का मूल्य एक भागदौड़ में बदल लिया है। जिंदगी आपाधापी में बदल जाती है, और जब तक होश आए तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है। ये बात सत्य है कि दुनिया की सारी दौड़ें चिता पर आकर के ख़त्म हो जाती हैं, पर उसके बावजूद आदमी उन गलतियों को दोहराने से चूकता नहीं। इन आपाधापियों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि चाहते जितनी हैं उतनी ज़्यादा दौड़ें। किसी के मन में यदि चाहत जो है फ़ोन की है तो वो एक दौड़ में लगा हुआ है, किसी के मन में चाहत यदि पद की है तो दूसरी दौड़ में लगा हुआ है, किसी के मन में चाहत यदि प्रतिष्ठा की है तो उस दौड़ में लगा हुआ है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लाइन में खड़े हैं, यू आर स्टिल रनिंग। और जितनी चाहते हैं उतनी दौड़ है, जितनी दौड़ है उतने कर्म है, जितने कर्म हैं उतने बंधन है, और जितने बंधन हैं उतने जन्म हैं। और ये जो यात्रा है वो अनवरत चलती रहती है, जब तक होश ना आए, बोध ना आए, आदमी के अंदर समझ ना आए, तब तक आदमी भागता रहता है। एक बार नहीं, हजार बार भागता रहता है, हजार बार आदमी इसी गलती को दोहरा चुका है।
जब गीता शुरू होती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते क्या है, कहते यही है, नत्वैवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि ये जो सामने खड़े हुए हैं अर्जुन, ये पहली बार थोड़ी खड़े हैं, हजारों बार राजा बन चुके हैं, हजारों बार तू आ चुका है, हजारों बार मैं आ चुका हूँ। जब भगवान हजारों बार आ चुके हैं तो इंसान की कीमत ही क्या रह जाती है। इंसान तो अनवरत न जाने कब से अनंत समय से यात्रा चली आ रही है, हजारों बार हम लोग आए हैं और हजारों बार यहाँ से मनुष्य के जीवन को गंवा करके गए। यदि गंवा करके न गए होते तो आज यहाँ बैठे क्यों होते, ये तो बैक पेपर का एग्जामिनेशन है। यदि पास हो गए होते और मुक्त हो गए होते तो आज यहाँ बैठ करके इस विषय पर चर्चा थोड़ी कर रहे होते। वी आर हियर ओनली बिकॉज वी फेल्ड इन द मैग्ना एग्जामिनेशन, हमारी पिछली बार की यात्रा अधूरी रह गई, तभी तो आज यहाँ बैठ करके इस विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित है। जिंदगी की जो दौड़ है वो भाग दौड़ में बदल जाती है। इस आपाधापी में जो पाने के लिए आए थे वो स्मरण ही ना आता। जैसा आचार्य शंकर ने कहा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। कहते हैं कि बार बार एक बार का जन्म है, फिर मृत्यु है, फिर आत्मा नई कोख की तलाश में निकल जाती है, नई चीज़ों की दौड़ में घूम रही है। इस सारी भाग दौड़ में व्यक्ति उसको भूल जाता है, इह संसारे खलु दुस्तारे। आचार्य शंकर कहते हैं कि संसार जो है वो बेर की पेड़ के समान है, बेर की झाड़ होती है, उसमें धोती फंस जाए तो धोती फट जाती है पूरी, झाड़ नहीं छोड़ता। वो बोलते हैं संसार जो है बेर की झाड़ की तरह से है, इंसान की कामनाएं उसमें फंस जाएं तो संसार नहीं छोड़ता, आदमी अपनी खुद ही बेइज्जती करा के वहाँ से लौटता है। बस इस दौड़ में व्यक्ति फंस जाता है। इस दौड़ में जो प्रकाश है, जहाँ से परमात्मा का अवतरण होता है, जहाँ से सद्बुद्धि और विवेक का जागरण होता है, उस ओर जोड़ने का काम वो करते हैं जो हमारे ठीक पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, उनका नाम सदगुरु है। इस सारी के सारे माया के अंदर, सारे के सारे सरंजाम के अंदर, जहाँ पर सब कुछ गंदा है, जहाँ पर कुछ पाने योग्य नहीं है, पर तब भी आदमी उसी दौड़ के अंदर फंसा हुआ है, वहाँ से निकालने का काम वो शक्ति करती है, वो होश लाती है। यदि गलती से आदमी भटक करके उस तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो खींच करके लाती है, याद दिलाती है कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या था। ये सदगुरु के होने की कीमत है। सदगुरु चाहे किसी भी तरीके से होश लाकर, ठोकर लाकर, आदमी को याद दिलाकर, उसको स्मरण दिलाकर, उसको झकझोर करके याद दिलाते हैं कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, याद कर आया क्यों था, पहली बार तो आया नहीं है, हजारों बार इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त कर चुका है, तो होश कर कि तेरे होने के पीछे का उद्देश्य क्या है। एक कहानी आती है संत दादू दयाल की, और बड़ी ही प्यारी कहानी आती है। उनके एक शिष्य थे संत रज्जब। तो संत रज्जब जो है भगवान को पाने के लिए आए, वर्षों उनने साधना करी, एक दिन मन में जो है संसार को पाने की बड़ी ललक लगी, वापस लौट गए। उनके पिता को बड़ा अच्छा लगा, तो उनके पिता ने जो है उनकी बड़ी उनने बड़े एक महल जैसा उनके लिए अरेंज किया, जयपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी भी होने लग गई, उस क्षेत्र की जो राजकुमारी थी उसके साथ शादी भी होने लग गई। दादू दयाल मिलने के लिए पहुँचे, रज्जब नाम था, संत रज्जब बने। जब मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें देखा कि संत रज्जब तो मुकुट लगा के बैठे हुए हैं, वो तो अभी जाने वाले हैं, हीरा जड़ रखा है उनने अपने ऊपर मुकुट के ऊपर। तो दादू दयाल कुछ बोले नहीं, हंसे और बोले रज्जब ते गज्जब किया। बोले रज्जब तूने तो गजब कर दिया। बोले रज्जब ते गज्जब किया सर पे बांधा मोर। बोले आया था हरि भजन को करे नरक कठोर। कि तू तो भगवान का नाम लेने आया था, कहाँ चल दिया। एकदम से होश आया, एकदम से होश आया रज्जब को। उन्हें तुरंत घोड़े से उतरे और उतर करके फिर गुरु के पीछे चल दिए। याद दिलाते हैं गुरु, याद दिलाते हैं, इसी तरह से झकझोर करके याद दिलाते हैं। एक बार एक राजा हुए, दत्तात्रेय के शिष्य हुए, जीव केतु नाम था, बहुत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, बड़े अच्छे राजा थे। अच्छे राजा थे, साधना भी करते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, मन में अहंकार बहुत आने लग गया, राजा होने का अहंकार। तो दत्तात्रेय जो है पागल का भेष बना करके उनके राजदरबार में पहुँचे, सिंहासन पर जाके बैठ गए, पागल का भेष। उनको समझ में नहीं आया कौन है गुरु। वो आकर के देखा तो जीव केतु को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कौन पागल चढ़ गया है मेरे सिंहासन के ऊपर। उन्होंने कहा उतर नीचे। बोले कौन चढ़ा हुआ है मेरे सिंहासन के ऊपर। तो दत्तात्रेय हंसे, पागल के भेष में थे। दत्तात्रेय ने कहा कि तेरा सिंहासन है। बोले हाँ मेरा सिंहासन है। बोले हमेशा से तेरा था। बोले नहीं नहीं मेरे से पहले मेरे पिता का था। बोले उससे पहले। बोले मेरे दादा का था। बोले उससे पहले। बोले मेरे परदादा का था। बोले वो सब यहाँ पर हैं। बोले नहीं। कहाँ गए। बोले वो तो सब मर गए। बोले फिर ये राज दरबार थोड़ी बेटा धर्मशाला है, जहाँ पर कोई कभी आता है और चला जाता है वो धर्मशाला है, राज दरबार नहीं। होश आया जीव केतु को, जीव केतु ने जाकर साधना करी,
आप पढ़े योग वासिष्ठ के अंदर, तो उसके बाद उनके जीवन में एक नई संभावना का उदय हुआ। फिर ये कहानियाँ यहीं थोड़ी हैं, बुल्ले शाह की कहानी है। बुल्ले शाह जो है अपने दुकान में बैठ करके ऑफिस में काम करने में लगे थे, ध्यान पूरा का पूरा जो है इसमें था कि आज कितना पैसा आया कितना गया। गुरु आए उनके, बाहर बारिश में खड़े हुए थे, आधा घंटा खड़े रहे। आधा घंटा खड़े रहने के बाद उनकी नज़र ऊपर गई बुल्ले शाह की, तो देखा गुरु तो बारिश में भीग रहे हैं। शर्म आ गई उनको कि अरे मैं तो यहाँ पैसे कमाने में लगा हुआ हूँ, गुरु भीग रहे हैं। गुरु ने हंस करके पूछा क्या कर रहा है बेटा। अब उनमें घबराहट में उनके मुंह से निकला कि खुदा का नाम लिख रहा हूँ। लिख तो हिसाब रहे थे, तो बोले खुदा का नाम लिख रहा हूँ, कुछ नहीं बोले फकीर, हंस करके चले गए। अगले दिन आए, एक पोंछा लेकर के आए, गुदड़ी बोलते हैं उसको, पोंछा लेकर के आए और उनकी दुकान के सामने बैठ गए। भेस बदला हुआ था, पहचान में नहीं आए। दुकान के सामने बैठे तो उनने पूछा कि बहुत देर तक गुदड़ी को उधड़ने में लगे हुए थे, 4-5 घंटे हो गए, तो बुल्ले शाह को रहा नहीं गया। उनने पूछा अपने गुरु से जो एकदम फकीर के भेस में थे, बोले कि क्या कर रहे हो साहब। बोले साहब हमारा कुछ खो गया है, वो ढूंढ रहे हैं। बोले क्या खो गया है तुम्हारा। बोले हमारा ऊँट खो गया है। बोले अरे गुदड़ी में ऊँट मिलता है क्या भला। तो उनके गुरु बोले और महल में खुदा मिलता है क्या भला। बोले ढूंढना है तो बाहर तो निकल, जग तो थोड़ा सा, होश में तो आ। बस वहीं से यात्रा बदल गई। ये जो यात्रा है वो सदगुरु की यात्रा है। संसार में भटकावे, कोई कितना भी पाले, पाने के बाद रहता गंदगी से भरा ही है। विवेकानंद ने लिखा है कि संसार फूलों से ढका हुआ सड़ा मुर्दा है, जितनी मालाएं उठाओ अंदर से बदबू उतनी ही ज़्यादा आती है। और जब आदमी को होश आता है, जब आदमी उसको उधेड़ उधेड़ करके देखता है और गंदगी और स्पष्ट होती है, तो इस भवकूप में से निकालने के लिए जिस रस्सी की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम सदगुरु है। इस अंधेरे में से निकालने के लिए जिस किरण की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम सदगुरु है। आज के समय में गुरु का मूल्य नहीं रह गया, क्योंकि शब्द इतना ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि लोग उसके मूल्य को ही भुला बैठे हैं। आज की तारीख में तो शिष्य उतने नहीं मिलते जितने गुरु मिल जाते हैं। तो ऐसे समय में आदमी सदगुरु के मूल्य को भूल जाता है। कभी कभार सदगुरु आते हैं। आप यदि शास्त्र को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि गुरु की स्थापना सिर्फ भगवान कर सकता है। ओनली गॉड हैज द पावर एंड अथॉरिटी टू अपॉइंट समबडी इज गुरु। गुरुदेव ने लिखा है कि 1951 में उनको आदेश मिला, तब भी उनने 71 तक किसी को दीक्षा देनी शुरू नहीं करी। क्यों नहीं देनी शुरू करी? जब अंदर से वो आवाज़ आती है, जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं लाखों करोड़ों को ब्लाइंड चेक, ब्लैंक चेक लिख पाने की सामर्थ्य रखता हूँ, तब तो व्यक्ति सदगुरु बनता है। रोज रोज सदगुरु पैदा नहीं होते, कभी कभी होते हैं, कभी कभी आते हैं। और सदगुरु जब आते हैं तो उनके पास जाते से ही व्यक्ति की चेतना स्पंदित होने लग जाती है। उनका स्पर्श पाते ही व्यक्तित्व का रूपांतरण शुरू हो जाता है। उनके शब्दों को पढ़ते ही स्वाध्याय शुरू हो जाता है। उनके नज़दीक बैठते ही सत्संग शुरू हो जाता है। उनके कहे को करने का नाम अध्यात्म बन जाता है। उनके दिए गए पथ पर चलने का नाम साधना बन जाता है। इसके अलावा और फिर ज़िंदगी में कुछ रह नहीं जाता। और एक बड़ा सौभाग्य हम लोगों का रहा, बैठे हम चाहे कहीं पर भी हों, देश में हों, विदेश में हों, है तो सभी सृष्टि के परिधि के भीतर, कि इस तरह के सदगुरु, जिस तरह के सदगुरु हमें मिले कभी कभार ही मिलते हैं। एक युग में कभी एक बार व्यक्ति को सौभाग्य मिल पाता है कि वो ऐसे गुरु के साथ जुड़े। और जब वो आते हैं तो धरती पुकार करके कहती है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेतेना, कि ऐसी शक्ति आई जिनके आने से कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है कि इस तरह के महापुरुष को धारण करने का अवसर हमको मिला। जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि ब्रह्मा धरती पर आए और प्रणाम किया और बोले कि साहब मेरे से पहले हजारों ब्रह्मा आए और चले गए हैं, पर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि उनके सामने कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हुआ हो, मेरे सामने हुआ है। वैसे ही जब गुरुदेव की तरह की शक्तियाँ आती हैं तो उनके आते समय में धरती अपने सौभाग्य को सराहती है और कहती है कि पहली बार इस तरह के महापुरुष को देखने का और उनका स्पर्श पाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। नर के रूप में नारायण को, मानव के रूप में माधव को, इंसान के रूप में भगवान को देखने के विषय में लोग पढ़ते हैं, पर ऐसे कितने होंगे जो अपने बायोडाटा में ये लिख सकें कि ऐसे गुरु को नज़दीक से देखने का, उनका स्पर्श पाने का, उनके योजना का अंग बनने का अवसर हम लोगों को मिला। और हम लोगों को मिला, मैं कहता हूँ आप एक व्यक्ति दूसरा ऐसा ला करके दिखा दीजिए जिसके बायोडाटा पर, रेज्यूमे पर, जिसकी CV के ऊपर ये क्वालिटी लिखी हुई हो, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन लिखी हुई हो कि उसे स्वयं भगवान के साथ चलने का अवसर मिला। देयर आर हार्डली एनीवन।
वी आर देयर, वी हैव दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल, जो स्वयं भगवान के अवसर को लेकर के आए हैं उनके अंदर संभावना ज़्यादा होती है, और ऐसे महापुरुष कभी कभार ही आते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप छोटे व्यक्तियों की छोड़ दीजिए, महापुरुषों की सुनिए। देवराह बाबा के विषय में हर कोई जानता है, इतनी पवित्र आत्मा। और देवराह बाबा का ही मुझे दो घटनाक्रम याद आते हैं। एक घटनाक्रम याद आता है कि जिस वर्ष में पोखरण का परमाणु विस्फोट किया भारत ने, तो एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे, और उनने आकर के देवराह बाबा से कहा कि साहब आप बताइए कि इस साल की सबसे बड़ी घटना क्या है। उनको लगा कि शायद ये बोलेंगे या कोल्ड वॉर के विषय में कुछ बोलेंगे, भारत चीन के संबंधों में थोड़ा सा तकलीफें आ रही थी उस विषय में कुछ बोलेंगे, ये सब नहीं बोला। उनने कहा कि इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना ये है कि गुरुदेव ने, गुरुदेव का नाम लिया, बोले उनने इस वर्ष को धर्म चक्र प्रवर्तन का वर्ष घोषित किया है। तो उनको लगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। बोले अरे परिणाम आप देखना, आज से 80 वर्ष के बाद इन्हीं घटनाओं के कारण विश्व बदलने वाला है। बोले आज तो बीज रोप रहे हैं वो, बोले आज से विश्व के बदलने की तैयारी हो रही। 1984 में जब देवराह बाबा आए थे और हरिद्वार का पूर्ण कुंभ था, तो अपने शांतिकुंज से बहुत सारे लोग गए, लोग गए तो बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए थे, और देवराह बाबा मचान के ऊपर बैठ करके दीक्षा दिया करते थे, तो हजारों लोग दीक्षा लेते थे। शांतिकुंज से भी जो लोग गए वो लोग भी जाकर के लाइनों में बैठ गए। दीक्षा देने का समय आया तो देवराह बाबा ने मंच से क्या बोला, बोले बेटा तुम लोग उठ जाओ, वो लोग जो बैठे हुए हो तीसरी लाइन में, आप लोग हट जाओ, आप लोग हट जाओ, आप लोग हट जाओ। तो लोग घबराए, उनको लगा कि साहब हम शांतिकुंज वालों को क्यों हटा रहे हैं। बोले बेटा तुम्हारी दीक्षा स्वयं भगवान राम ने दी है, तुमको दे पाने, दीक्षा दे पाने का साहस मेरा नहीं है। ये शब्द देवराह बाबा के हैं। एक से एक बढ़कर के महान विभूतियां, और स्वयं गुरुदेव ने चूंकि अपने जीवन के ऊपर पर्दा डाल करके रखा, हम लोग महसूस नहीं कर पाते कि किस शक्ति के साथ जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में कभी एक बार मिल पाता है, और उस बात की परीक्षा इसी बात से होती है कि हमारा जीवन संकटों से कितना घिरा है। विश्वामित्र ने यदि हरिश्चंद्र की परीक्षा ने ली होती तो हरिश्चंद्र बन पाते क्या? आदमी जितना ऊंचाई की तरफ जाता है, उतनी ऊंचाई पर जाने के लिए उसको उतना ही संघर्षों के पद से गुजरना पड़ता है, और वो संघर्ष के पद उसके जीवन में डाले ही इसलिए गए होते हैं क्योंकि सदगुरु उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। आप जिस भी महापुरुष को देखें, आप यदि प्रहलाद को देखें, तो क्या भगवान को और कोई जगह नहीं मिली थी, उसको ले जाके दानव के घर में पैदा कर दिया? अरे इतनी सारी जगह थी, इतना बड़ा भक्त था, कहीं और पैदा करते नहीं? शुक्राचार्य गुरु होंगे जो तंत्र के आचार्य, भार्गव से उनको दीक्षा मिलेगी, और उनके पिता कौन होंगे? वो दैत्यों के राजा होंगे, ऐसा और कोई जगह दे देते? पर भगवान परीक्षा लेते हैं, सदगुरु परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं कि व्यक्ति के श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, आस्था, निष्ठा, इसका अच्छी तरह से इम्तहान हो सके कि व्यक्ति अपनी श्रद्धा के प्रति अडिग है कि नहीं। आज का जो अवसर है वो इसी आशय का अवसर है। इस समय में व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा को, अपने अपने समर्पण को, अपनी अपनी निष्ठा को एक बार रमा कर सकता है, रमा कर सकता है, और इस आशय के साथ कर सकता है कि जिस भाव को लेकर गुरुदेव के साथ जुड़े थे उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। वो पैमाना इंसान के पास स्वयं है, सोच लेकर के आए थे उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई, हमारे करने से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घट गया जिसको गुरुदेव की योजना में हस्तक्षेप कहा जा सकता है। अरे हमारे जैसे हजार आए और हजार चले जाएं उसका कोई मूल्य नहीं, गुरुदेव जैसे तो हजार वर्षों में कभी एक बार आते हैं, उनकी जैसी आत्माएं तो कभी एक ही बार इस धरती पर आती हैं। हमें सब कुछ मिल जाए पर यदि गुरुदेव की योजना खतरे में पड़ जाए तो हमारा जो मिलना है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता, पर यदि हमारे को 100 जूते भी पड़े और उसको पड़ने के बावजूद गुरुदेव की योजना सफल होती हो तो वो 100 जूते हमारे लिए सौभाग्य से कम नहीं रह जाते। वो मिल जाए पर गुरुदेव की योजना सफल होनी चाहिए, गुरुदेव का जो कार्य है वो अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचना चाहिए। श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का, आस्था का, निष्ठा का पथ कठिनाइयों का पथ है। जब आदमी इस रास्ते से गुजरता है तो छोटी छोटी घटनाएं भी महान बन जाती हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं भी किसी मूल्य की नहीं रह जाती। एक अंतिम कहानी सुना करके मैं बात को समाप्त करूंगा। कहानी मक्खली गोशाल की है। मक्खली गोशाल जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त कराई, जिनको निर्वाण मिला, जिनको समाधि मिली, जिनको कैवल्य मिला, जिनको अभिनिष्क्रमण हुआ, जो भी शब्द हम लोग इस्तेमाल करना चाहें। और कहानी बड़ी प्यारी है कि वो जैसे ही अंदर आए और उस भगवान बुद्ध लेक्चर दे रहे थे, उनने एक दूसरे को देखा और देखते से ही दोनों मुस्कुराए और मुस्कुराते से ही उनको समाधि लग गई।
बहुत गुस्सा आया आनंद को, आनंद को लगा कि साहब 40 साल से इनके साथ रह रहा हूँ, मेरे को समाधि नहीं मिल रही। व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है, इनको समाधि लग जाती है। बोले ये कहाँ की धोखाधड़ी है। उनने बड़े गुस्से में भगवान बुद्ध से कहा कि साहब ये कैसा आपने भेदभाव रखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दिस, कि बोले एक व्यक्ति आ रहा है स्माइल कर रहा है और उसको मिल जा रही है, एक व्यक्ति को जो है पूरा जीवन गुजारने के बाद नहीं मिल रही। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले आनंद याद करो पहले दिन तुम मेरे पास आए थे तो क्या प्रश्न लेकर के आए थे। बोले तुम तीन चाहतें लेकर के आए थे। बोले पहली चाहत ये थी कि तुम जिससे मुझको मिलाओगे उससे मैं मिलूंगा तो मैं हमेशा मिलाऊं। बोले दूसरी ये थी कि तुम जिस कक्ष में सोऊंगा उसमें तुम भी सोओगे तो मैंने हमेशा सुलाया है। बोले तीसरी ये थी कि जो प्रश्न तुम पूछोगे उसका मैं उत्तर दूंगा, तो आज तक मैंने मना नहीं किया। बोले समाधि की चाहत कब थी, पूछा कब था। बोले यदि पूछा होता तो मिलता ना, तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी दिया नहीं। और बोले आनंद इस संसार में एक और प्यारी बात बोले इस संसार में चार तरह के घोड़े होते हैं। बोले पहले वो होते हैं जिनके लिए इशारा बहुत होता है, चुटकी बजाओ करो खड़े हो जाएंगे। बोले दूसरे वो होते हैं जिनको सहलाना पड़ता है। तीसरे वो होते हैं जिनको डंडा लगाना पड़ता है। चौथे वो होते हैं जिन पर डंडा भी मार दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हिलते नहीं। बोले वैसे ही चार तरह के शिष्य हैं, कुछ के लिए शिक्षाएं बहुत होती हैं, शिक्षाएं अनुशासन सब कर लो हिलते नहीं। बोले कुछ के लिए अनुशासन पर्याप्त होता है, कुछ के लिए बोले शिक्षाएं पर्याप्त होती हैं, बोले कुछ के लिए मुस्कुराना पर्याप्त होता है। जिनके लिए मुस्कुराना पर्याप्त होता है मक्खली गोशाल उस श्रेणी का साधक था, और उनके लिए मुस्कुराना पर्याप्त होता है जिनके हृदय में श्रद्धा शिखर पर पहुंच चुकी है, जहां वहां पहुंच जाती है उसके बाद व्यक्ति को और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती, न उसे शिक्षा की आवश्यकता है और न उसे अनुशासन की आवश्यकता है। फिर जो गुरुदेव की आवाज़ है वो हमारी बन जाती है, फिर जो गुरुदेव की चाहत है वो हमारे चाहत बन जाती है, फिर जो उनका इशारा है वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, फिर जो उनने सोचा वो हमारी योजना बन जाती है, फिर जो उनने कहा वो हमारा कर्म बन जाता है, फिर ऑटोमेटिकली हमारे माध्यम से वो घटित होता है जो वो घटित कराना चाहते हैं, क्योंकि फिर शिष्य में और गुरु में अंतर नहीं रह गया, दोनों खो चुके हैं। मंसूर को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो लोगों ने कहा कि साहब आप तो कहा करते थे कि आप खुदा से मिलोगे, क्या हो रहा है। बोले अरे वही तो हो रहा है। बोले फांसी पर चढ़ाएंगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। बोले दफन करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और बोले जब दोनों मिल जाएंगे तो कुछ शेष नहीं रह जाएगा, सिर्फ खुदा शेष रह जाएगा। मिलते हैं तो गुरु से ऐसे ही मिलते हैं जब हमारी चाहत और उनकी चाहत दोनों ख़त्म हो जाएं। तो आज के इस शुभ अवसर पर वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो समर्पण हमारे भीतर उमगे और इस अभूतपूर्व प्रयोग को करने के लिए गायत्री चेतना केंद्र न्यूजर्सी की समस्त टीम को हम शांति कुंज की ओर से, इस समस्त गायत्री परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये जो प्रयोग उनके माध्यम से संपन्न हुआ ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने का, इंस्पायर करने का कारण और माध्यम बने। आज के इस दीपयज्ञ के माध्यम से अनेकों के हृदय में नई प्रेरणाएं, नया संकल्प, नई भावनाएं जन्म लें। आप लोग भले से दूर बैठे हैं पर इस माध्यम से आज सभी के सभी शांति कुंज के अंदर उपस्थित हैं और शांति कुंज आप लोगों के साथ उपस्थित है। इस माध्यम से दोनों कभी एक दूसरे से विलग न हो, दोनों के मध्य की भावनाएं कभी एक दूसरे से जुदा न हो, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसी मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का शुभाशीष सभी के ऊपर अनवरत बरसता रहे, ऐसे हृदय से शुभ और मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का कि जिन्होंने हम सबको वही सूत्र दिए कि हम श्रद्धा के पथ पर कैसे आगे बढ़ें, और आज का वही दिन है। परम पूज्य गुरुदेव से हम सब प्रार्थना करें कि अब केवल वही हो, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, जो गुरुदेव की इच्छा है वो हमारी इच्छा बन जाए। इस भाव से हम अपनी दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के दिन। हम बहुत बहुत आभार पुनः आदरणीय भाई साहब को प्रस्तुत करते हैं और इस आज के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीपयज्ञ का और पर्व पूजन का क्रम संपन्न होगा। मैं हमारे उद्गाता बंधुओं से प्रार्थना करूँगा कि पुनः एक गीत इस भाव का कि कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दर्शन तुझ में पाऊं। परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी ही वंदना जहां वो ब्रह्मा के रूप में है, विष्णु के रूप में है और सबको अनुशासन सिखाने वाले शिव के रूप में भी।
जहाँ वो कहते हैं कि मैं नई सृष्टि गढ़ने वाला हूँ, नया मानव बनाने वाला हूँ, तब उनके अंदर ब्रह्मा दिखाई देता है। जब मनुष्य को जीवन सिखा रहे होते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो वो विष्णु के रूप में दिखते हैं, और जब मनुष्य की असुरता और उनकी बुराइयों का संहार कर रहे होते हैं तो शिव के रूप में। ऐसे गुरु की वंदना कौन कौन गुड़गांव हमारे उद्गाता बंधु प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पश्चात आदरणीय उदय जी भाई साहब दीप यज्ञ और पर्व पूजन का क्रम संपन्न करेंगे। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन जैसे वह
वरदारी विष्णु शरीफ पालक ज्ञाने तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी शरीफ पालक ज्ञाने शिव जैसे प्रिय औघरदानी पुरुष रूप में माँ कल्याणी शिव जैसे प्रिय औघरदानी दानी शिव जैसे प्रिय सौंप तुम्हीं अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं मैं भी धन्य गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु बढ़ाते हैं। मैं आदरणीय उदय किशोर मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे दीप यज्ञ और पर पूजन के क्रम को संपन्न कराएं। सभी भाई बहनों को प्रणाम।
पवित्र गुरुद्वारे से हम सब जुड़ करके गुरु पूजन दीप महायज्ञ के माध्यम से करने जा रहे हैं। आज का जो पावन पर्व है, जैसे आदरणीय भैया ने हम सबको संबोधित किया, ज्ञान पर्व के रूप में गुरु की पूजा करते हैं। नहीं ज्ञाने न सदसम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से पवित्र संसार की दूसरी कोई वस्तु नहीं। और ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे, हम अपने गुरु तत्व का ज्ञान रूप में पूजन करेंगे। उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रथम सूत्र है जीवन में पवित्रता का अवतरण होना है। हम सबका मन अंतःकरण शुद्ध हो, इस भाव से पवित्र कर्ण मंत्र के दीप महायज्ञ के मंत्र को सभी परिजन भाव श्रद्धा से दोहराते चलेंगे और दीप यज्ञ के कर्मकांड की भागीदारी करते रहेंगे। सूत्र दोहराए, ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अन्तःकरणेषु, अन्तःकरणेषु, संविशे, संविशे। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नये, सन्मार्गं नये। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता में शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिं प्रददातु, शांतिं प्रददातु। प्राणायामः। परमात्मा के दिव्य प्राण से हम सभी जुड़े, परम पूज्य गुरुदेव की उस प्राण चेतना के साथ जुड़े और साथ साथ उस प्राण से ये प्रार्थना करें कि वो हमारी बुराइयों को दूर करे और हमें श्रेष्ठताओं से जोड़े। आइए कमर सीधी कर लें, लंबी गहरी सांस लेते हुए सविता के प्राण को अपने भीतर सोखें, रोकें और थोड़ी देर बाहर निकालें। रोकने के पश्चात भावना करें कि हमारे अंदर की बुराइयां बाहर निकल रही हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। चंदन धारणम। मस्तिष्क देव कार्य के अनुरूप शांत जागरूक विवेक युक्त रहे, इस भाव से अपने अपने मस्तक पर दिव्य चेतना केंद्र की पावन रजकण को धारण करने के भाव से, यदि व्यवस्था है रोली चंदन की तो रोली चंदन अपने अपने मस्ते पर लगाएं, अन्यथा जिस पवित्र देवालय में आप बैठे हैं जहाँ पर भगवान गणेश की पावन प्राण प्रतिष्ठा है, दिव्यता है और भगवान हनुमान जी विराजित हैं, स्वयं ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति माँ भगवती गायत्री स्थापित है, भगवान महाकाल प्रज्ञेश्वर हैं, ऐसे पावन देवालय में पवित्र रजगण को हम धारण करते हैं माथे पर और चंदन के गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। सूत्र दोहराएं, अनामिका उंगली को सामने रखें और बाद में गायत्री मंत्र बोलते हुए चंदन के रूप में रजगण को धारण करें। ॐ मस्तिष्कम्, ॐ मस्तिष्कम्, शान्तं भूयात्, शान्तं भूयात्, ॐ अनुचितः आवेशः, ॐ अनुचितः आवेशः, मा भूयात्, मा भूयात्, ॐ शीर्षम्, ॐ शीर्षम्, उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्, ॐ विवेकः, ॐ विवेकः, स्थिरि भूयात्, स्थिरि भूयात्, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम्।
संकल्प सूत्र भी हर यज्ञ में धारण करना अनिवार्य होता है। दाहिने हाथ को ऊपर कर सकते हैं, गुरुदेव के अनुशासन को हम सब स्वीकार करते हैं। जो गुरु अनुशासन हम सबको प्रारंभ में बताए गए थे, उपासना, साधना, आराधना, समय दान और ऋषिदान, इन पांचों सूत्रों को जीवन का अंग बनाने के लिए हम सब संकल्पित होते हैं। सभी परिजन दाहिना हाथ उठाएं और सूत्र को यहाँ से दोहराएं, भाव करें, हम मर्यादाओं का, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। बोले ओम ओम ईशानुशासनम ईशानुशासनम स्वीकरोमि स्वीकरोमि, मर्यादाओं का पालन करेंगे, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम ओम मर्यादाम चरिष्यामि चरिष्यामि, जो वर्जित है वो आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि नो चरिष्यामि कलश पूजनम। श्रद्धा भक्ति का प्रतीक मंगल कलश उस देवालय में स्थापित है। पुष्प अक्षत यजमान दंपति हाथ में ले मंगल कलश का भाव श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्यनुषाग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोद्वरिषं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मारयन्तामो प्रतिशा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गुरु वंदना। आज पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व हम अपने सदगुरुदेव ज्ञान रूप में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की पावन चेतना जो यहाँ शांति कुंज के कण कण में व्याप्त है, इसी दिव्य चेतना का एक अंश न्यूजर्सी में स्थापित है, उस भाव श्रद्धा से गुरु तत्व के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। सभी परिजन हाथ जोड़ लें और जो मुख्य रूप से पूजन कर रहे हैं जो भाई, वो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु तत्व हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। हाथ जोड़ें सभी परिजन, श्रद्धा और भक्ति से गुरु तत्व का ध्यान करें। ओम आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधरूपम योगींद्रमिद्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्य
नित्यमहं नमामि ॐ गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषास्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ शखरप्रज्ञायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ब्रह्मा आवाहनम्। परम पूज गुरुदेव को जैसा कि गीत में कहा गया था कि ब्रह्मा के रूप में एक नया समाज बनाने वाले, वो कहते हैं एक नई सृष्टि गढ़ूंगा, नया समाज बनाऊंगा, नई दुनिया बनाने वाले उस ब्रह्मा के रूप में परम पूज गुरुदेव का आवाहन करते हैं। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि विष्णु आवाहनम्। गुरुदेव का विष्णु रूप में स्मरण ध्यान करें। भगवान विष्णु पोषण के देवता हैं। परम पूज्य गुरुदेव अपनी तप शक्ति से हम सबके जीवन को दिव्य बनाएं, इस भाव से भगवान विष्णु के रूप में गुरु सत्ता का आवाहन पूजन। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि महेश आवाहनम्। महाकाल की पावन चेतना ही युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के स्वरूप में हैं। प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा स्वरूप प्रज्ञेश्वर महादेव का ध्यान करके भगवान शिव की शक्तियों से प्रार्थना हमारे अंदर के कुविचारों को हटाएं, श्रेष्ठ विचारों को स्थापित करके अपने संवाहक शक्तियां बनाएं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि व्यास आवाहनम्। वेद का विभाग करने वाले को व्यास कहा जाता है। वेदों के गूढ़ ज्ञान को पुराणों के माध्यम से संसार में अवतरित करने वाले महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ऋषि, आज उनका भी जन्मदिन है, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी सनातन संस्कृति में जाना जाता है। भाव श्रद्धा से युग व्यास परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने 32 पुस्तकें लिखा, वेद पुराण उपनिषदों का भाष्य किया, ऐसे हमारे आराध्य इष्ट भगवान का स्मरण करें, व्यास रूप में उनके वांग्मय स्वरूप का पूजन करें। ओम व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका भोक्ता कलिग्रहात् नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविभेदसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्। ओम श्री व्यासाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वदेव नमस्कारः। सभी देव शक्तियां उस पावन देवालय में चेतना केंद्र में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, भगवती गणपति के साथ, माँ गायत्री के साथ। गायत्री वा इदम सर्वम, जो संसार में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ गायत्री में है। सभी परिजन हाथ जोड़े श्रद्धा पूर्वक सिर झुका करके मंत्र के साथ नमस्कार करें। ओम
बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। पूजन के अभिव्यक्ति पदार्थ होते हैं, पदार्थों के माध्यम से भाव श्रद्धा से पूजन करते हैं। यहाँ से तो हम षोडश प्रकार के पूजन का विधान है, वहाँ जो पदार्थ उपलब्ध हो उन्हीं से आपको पूजन संपन्न करना है। जिन पदार्थों का भाव हो उनकी पूर्ति के लिए अक्षत समर्पित करें, अपनी श्रद्धा समर्पित करें, मन का उल्लास समर्पित करें, भावनाएँ और श्रद्धा। आज श्रद्धा विसर्जन समर्पण का ही पर्व है, हमारा सब कुछ भगवान को समर्पित है। इस भाव से हम पदार्थों की तरफ ज्यादा ध्यान न दे करके श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करेंगे। सभी परिजन हाथ जोड़ लें, गुरुदेव का विराट स्वरूप ध्यान करें। संपूर्ण चराचर जगत में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये चराचरम, कण कण में व्याप्त गुरु चेतना का स्मरण ध्यान करके पूजन प्रक्रिया संपन्न करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। आसन के लिए कोमल पुष्प समर्पित करें गुरु चरणों में। पाद्यम समर्पयामि, चरण धो रहे हैं इस भाव से एक चम्मच जल चढ़ाएं। अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ फुला रहे हैं हस्त प्रक्षालन के लिए जल दें। आचमनम समर्पयामि, आचमन कराने का भाव रखें। स्नानम समर्पयामि, गुरुदेव भगवान का अभिषेक कर रहे हैं इस भाव से स्नान कराएं। वस्त्रम समर्पयामि, हम सबकी मर्यादाओं की रक्षा कर सकें इस भाव से वस्त्र मर्यादा का प्रतीक है, गुरुदेव के वस्त्र या कलावा समर्पित करें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, किसी भी प्रतिमा में प्राण तभी आते हैं जब जनेऊ पहना दिया जाए, उसी भाव से हम गुरु मूर्ति में यज्ञोपवीत समर्पित करते हैं। गंधम विलेपयामि, तिलक लगाएं मंगल तिलक करें। अक्षतां समर्पयामि, अटूट निष्ठा का प्रतीक अक्षत समर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि, पुनः पुष्प अर्पित करें। धूपम आग्रापयामि, अगरबत्ती है या जल रही है तो उसे दर्शन कराएं। दीपम दर्शयामि, चेतना का प्रतीक अखंड दीपक वहाँ जल रहा है प्रणाम करें। नैवेद्यम निवेदयामि, मधुरता का संस्कार हम सबके जीवन में आए, मधुर पदार्थ नैवेद्य मिष्ठान समर्पित करें। तांबूल पूगे फलानि समर्पयामि, पान सुपारी जो पद मुख शुद्ध्यर्थम अर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणा अपनी कमाई का एक अंश समर्पित करने के भाव से अक्षत पुष्प समर्पित करें। ऋतु फल इत्यादि फल जो पूजन के लिए लाए हैं उसे भी चढ़ाएं। ऋतु फलम समर्पयामि, सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ें, कण कण में व्याप्त गुरु तत्व का ध्यान करें, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे
आप दीप महायज्ञ के जो दीपक हैं उन्हें प्रज्वलित करेंगे। जो बहने भाई पहले से नियुक्त हो या पूजन थाली में हैं तो वो दीपक जलाएं मंत्र के साथ में, और फिर दीप देवता की स्तुति होगी और उसके बाद आहुतियों का क्रम संपन्न किया जाएगा। ॐ अग्नेय सुपतारायै अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युरोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः किं विधेम। गायत्री स्तवनम् भावना हम सब में जगा को
सब ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सभी का होते हैं। सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं और सविता की प्रार्थना। ये वो वेद मंत्र जो तीन वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में आया है, अथर्ववेद इसकी महिमा गाता है। हम सभी गायत्री मंत्र के साथ में ये सार्वभौम प्रार्थना परमात्मा हम सबको बलपूर्वक सन्मार्ग की ओर लेकर के चले। ये अभी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है, इस संकट से सबको मुक्ति मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए, उत्सव के लिए उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र की आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रैदं नमः। महामृत्युञ्जय मन्त्राहुतिः। भगवान महाकाल की अभ्यर्थना और तदुपरांत भाव श्रद्धा से सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना से दीर्घायुष मंगलमय जीवन की प्रार्थना से महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। सभी परिजन दोनों हाथ उठाएं, एक बार जय घोष करें, देवाधिदेव महादेव का ध्यान करें। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। लक्ष्मेश्वर महादेव की जय। अब ताल के साथ ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। जय महाकाल 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 जय महाकाल। हरता है जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन
शक्ति को साथ लिए जो बदल रहा है सृष्टि चाल 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 जय महाकाल 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 आइए सबके मंगलमय जीवन उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के साथ महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां भावनात्मक समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुतिः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और इसमें शिष्य का समग्र समर्पण की कामना से दक्षिणा का संकल्प सभी परिजन प्रतीक में अक्षत पुष्प हाथ में लें, दाहिने हाथ ऊपर रखें और गुरु पूर्णिमा के पावन दिन में अपने जो कुछ द्रव्य दक्षिणा गुरुद्वारे को समर्पित करना हो उसका भी संकल्प साथ साथ करेंगे। उसके बाद में पूर्णाहुति के मंत्र से पूर्णाहुति करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आदि श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थे श्रीश्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे भूलोके जम्बूदीपे भारत से भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमेरिका राष्ट्र अंतर्गते अपने पवित्र देव चेतना केंद्र का स्मरण कर लें। मासा नाम मासोत्तमे मासे अषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे गुरु पूर्णिमा तिथौ रविवासरे भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना अपना नाम लें और यहाँ से परिजन दोहराएंगे मंत्र को। गुरु पूर्णिमा का अंशदान का यह संकल्प है। बोले नामाहम नामाहम श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञात ज्ञात अज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थम गुरु पूर्णिमा पर्वणि पर्वणि गुरु रूपेण मार्गदर्शन मार्गदर्शन सहयोगदात्री ईश्वरीय सत्तायाश्च दिव्य अनुशासनम अद्य प्रभति जीवन पर्यन्तम परिपालनस्य श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम अहम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाए और देव कलश के पास में या चित्रों के पास समर्पित करें, बाद में इसे गुरुद्वारे में पहुंचाएं। अब महाआरती की तैयारी करें। आरती का पावन समय है और शांति कुंज में परम वंदनीय माता जी के पावन समय से शयन का समय होता है। आप सबके लिए मंगल कामनाएं शुभकामनाएं। पवित्र आरती के दीप को जलाएं और सभी भाई बहन भाव श्रद्धा पूर्वक भगवान की आर्त भाव से की गई प्रार्थना ही आरती बन जाती है। उसी भाव श्रद्धा से महाकाल की गायत्री माता की हनुमान जी महाराज की भगवान गणेश जी की सभी देव शक्तियों की आरती उतारें। ओम यम ब्रह्म वेदान कविदो वदन्ति परम प्रधानम्
तथाने विश्वोत्पत्तेः कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा मंगलं भगवान विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। आरती लेने का भाव करें हाथ उठा करके आरती ले लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब को निवेदन करूंगा आकर के यहाँ दो शब्द सबकी मंगल कामनाओं के लिए बोलें। आपका ये विधि विधान से जो गुरु पूजन पर्व है दीप महायज्ञ के साथ में संपन्न हुआ, आप सभी को बहुत बहुत गुरुदेव माता जी का खूब खूब स्नेह आशीर्वाद शांति कुंज हरिद्वार से। अब आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब दो शब्द। न्यूजर्सी चेतना केंद्र में जितने भी हमारे परिजन हैं, पहली बार इस तरह से शांति कुंज से यह प्रयोग हो रहा है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी जी के द्वारा स्थापित यह गायत्री चेतना केंद्र जिसमें उनका प्राण है, उनकी तपस्या है, और इसी का प्रभाव है कि वह यह चेतना केंद्र नित्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों का दुख दर्द कष्ट कठिनाइयाँ दूर होती जा रही हैं। तो जो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो परिजन वहाँ पर सामने प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं और बैठे हुए हैं, सबको शांति कुंज हरिद्वार की ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी जी की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएँ गुरु पूर्णिमा पर्व के इस पावन अवसर पर। इस कार्यक्रम को लाइव करने में ईएमडी टीम दिव्येश जी, संतोष जी, भूपेन जी, विवेकानंद जी, मंगल जी, जिन्होंने इस तरह का विशेष प्रयोग किया। संगीत टीम में ओंकार जी आज जिनका जन्मदिन है, और सुनील जी जो बांसुरी के माध्यम से सबके दिल को जोड़ते हैं, नारायण जी जो कीबोर्ड पर हैं, शिव नारायण जी विश्वविद्यालय से भी रात यहाँ पर 9 बज रहे हैं फिर भी यहाँ पर हैं, और बसंत जी, इसी के साथ आशीष जी, और प्रातःकाल आपने देखा पंडित उदय किशोर मिश्रा जी, उन्होंने पूरा कर्मकांड संपन्न करवाया। तो सभी इसके लिए और वहाँ पर पार्थ जी हैं, कल्पेश जी हैं, मनीष जी हैं, सुबोध भाई दिखाई दे रहे थे, तो मैं चिन्मय जी से पूछा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा लाइव सबको देख करके। तो यह विशेष प्रयोग है, सबको बहुत बहुत शांति कुंज हरिद्वार की ओर से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी जी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब शांति पाठ यहाँ संपन्न करेंगे, शांति कीजिए इस प्रार्थना से।
सभी लोग शांति कीजिए दोहराते हुए चलेंगे या से भावना मन में मन में जीवन में सृष्टि के कण कण में शांति का वातावरण हो, यही भावभरी प्रार्थना के साथ हम लोग शांति पाठ करते हैं। सब लोग दोनों हाथ गोद में रखे हैं, प्रार्थना करें मन से, आंखें बंद करें, शांति कीजिए की भावभरी प्रार्थना। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, जल में थल और गगन में शांति कीजिए, वृक्ष में अग्नि पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, औषधि वनस्पति वन सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए, नगर ग्राम जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए, और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति की कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति अंतर का ये पावन पर्व पावन पूजन अब यहाँ पर संपूर्ण होता है। सभी भाई बहनों को खूब खूब हमारा नमस्कार, जय गुरुदेव, जय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी का खूब खूब प्यार भरा आशीर्वाद, प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।